हमें शिक्षा के साथ राजनीति बर्दाश्त नहीं है हम लोगों को, तो ये राजनीति को रोक दे, यथाशीघ्र रोकना चाहिए इनको। लगता है पता नहीं क्या भांग पिए, क्या सोए रहते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं चलता है। और शिक्षा मंत्री तो खैर आधा माइंड से आइए हैं, उनको जो मन में आता है, जैसे मन में आता है वैसे ही बोकते जाते हैं। जब हम लोग दूसरे स्टेट में फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ डोमिसाइल नीति मिलता है, वहाँ 14 राज्यों में ऐसे है जहाँ पे नियम लागू किया गया है, तो फिर हम अपने बिहार में अपने अधिकार क्यों नहीं मांगेंगे आपसे। मैं अभी राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित हूँ, जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया था डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, जो सरकार ने डोमिसाइल नीति बंद कर दिया था। जिस तरह से बाहर के छात्रों को अब शिक्षा विभाग में आवेदन करने का मौका दिया गया था, तमाम आप देख सकते हैं। चलिए आज लोगों से भी बातें करेंगे कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे क्या कि प्राथमिक स्तर पर बाहर के अभ्यर्थी आएंगे, मातृभाषा में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसे रोका जाना चाहिए, यथाशीघ्र रोकना चाहिए। हमें शिक्षा के साथ राजनीति बर्दाश्त नहीं है हम लोगों को, तो ये राजनीति को रोक दे, यथाशीघ्र रोकना चाहिए इनको। सबसे पहली बात यह है, चल के वासी मिथिला भाषा में शिक्षक जो होते हैं मिथिला भाषा में जाके लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या बाहर से आने वाले जो शिक्षक होंगे क्या वो लोकल भाषा मिथिला में पढ़ा पाएंगे? ये सवाल है सरकार से, सवाल समझ नहीं रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को रोका गया, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में सुरक्षा बल के साथ तैनात है। आप देख रहे हैं किस तरह से मजिस्ट्रेट पुलिस बल सारे तैनात है, आप पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये आपको फर्स्ट विहार के माध्यम से दिखा रहा हूँ, किस तरह से हाथ में झंडा लिए हुए हैं। और डोमिसाइल नीति लागू हो, बिहार के रोजगार पे हक सिर्फ बिहारियों का होना चाहिए, बाहर के लोगों का नहीं, ये विद्यार्थियों का कहना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं, पुरुष जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और आपको और भी बातें बताऊँगा, ये लोग को यहाँ पर रोक दिया गया है। जी हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करवाने आए हैं। डोमिसाइल नीति लागू जी, वापस होनी चाहिए, में बिहार की नौकरी बिहार में होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर है और भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आप तमाम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से है सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। आप देखिए पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी है जिनको रोक दिया गया है यहीं पर। आपको गांधी मैदान के पास में गांधी मूर्ति के पास से यह भीड़ निकली थी प्रदर्शन करने के लिए, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। जो डोमिसाइल नीति थी सरकार ने उसको हटा दिया था, आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जब हम लोग दूसरे स्टेट में फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ डोमिसाइल नीति मिलता है, वहाँ 14 राज्यों में ऐसे है जहाँ पे नियम लागू किया गया है, तो फिर हम अपने बिहार में अपने अधिकार क्यों नहीं मांगेंगे आपसे? आपसे क्यों नहीं मांगेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का टीचर नहीं है, आप तो 18 साल गति पे हैं। आपके पास कल शिक्षा विभाग का ट्वीट आया था, उन्होंने आर्टिकल 14 और 16 का हवाला दिया था। उनको ये नहीं पता है कि 14 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पीआरटी में डोमिसाइल नीति लागू है, शिक्षा विभाग का ये नहीं पता है। लगता है पता नहीं क्या भांग पिए, क्या सोए रहते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं चलता है। और शिक्षा मंत्री तो खैर आधा माइंड से आइए हैं, उनको जो मन में आता है, जैसे मन में आता है वैसे ही बोकते जाते हैं। शिक्षा मंत्री आधा माइंड जी, बिल्कुल आधा माइंड के हैं, जो मन में आता है वो बोलते जाते हैं। आप देखिए कभी शिक्षा पे, कभी शिक्षा पे, कभी रामायण पे, कभी हिंदू पे। मतलब पहले उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होगा, कोई परीक्षा लिए बिना परीक्षा लिए हुए मतलब भर्ती किया जाएगा, ठीक है, मेरिट किस पर बहाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बात माना और हमने लोग इंतजार किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि किस तरह से इन लोग का पोस्टर में लिखा हुआ पोस्टर है जो धोखा, आप देख सकते हैं पोस्टर दिखा रहा हूँ। डोमिसाइल नीति लागू करे, वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनकर हमें छोड़ दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया। आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम, आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं छात्र संघ, छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की कर दी गई है। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट व्यवस्था चैनल पर।